हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक ऑडियो फॉर्म में देंगे जो कि यूनिट है, उस सबको आपको याद रखना है। मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनकर उसको याद रख सकते हैं। इसमें स्क्रीन पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो चलिए मैं एक एक करके बोलता हूँ और आप इसको याद रखिएगा दिमाग में। आप जितने बार चाहे उतने बार सुन सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में होगा। वीडियो माने आप देखिए या नहीं देखिए, बट वीडियो में कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ स्क्रीन दिखाई देगा और ऑडियो फॉर्म में होगा। तो चलिए, पहला हमारे पास यूनिट है वो है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का यूनिट होता है हेनरी अपॉन मीटर, ठीक है, हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी अपॉन मीटर, ठीक है। फिर दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर होता है हमारे पास तीसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है एम्पियर मीटर या ऑर्स्टेड, ठीक है। फिर चलते हैं चौथा है हमारे पास एमएमएफ का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न या गिलवर्ट। फिर हमारे पास आता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास एम्पियर टर्न अपॉन वेबर या पर हेनरी, ठीक है। फिर हमारे पास छठा है परमिहेंस। परमिहेंस का जस्ट रिलक्टेंस के उल्टा हो जाता है। रिलक्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, वेबर अपॉन 80 हो जाएगा। फिर हमारे पास सातवां आता है रेटेंटिविटी। रेटेंटिविटी का यूनिट हो जाएगा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास आठवां है रिलक्टिविटी। रिलक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा मीटर अपॉन हेनरी। फिर नौवां हमारे पास आता है एडमिटेंस। एडमिटेंस का यूनिट हो जाएगा सीमेंस। फिर हमारे पास दसवां आता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का यूनिट हो जाएगा एम्पियर टर्न अपॉन मीटर, ठीक है। फिर हमारे पास ग्यारहवां आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। फिर हमारे पास बारहवां आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा महो। फिर हमारे पास तेरह आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। फिर हमारे पास चौदह आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास पंद्रह आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। फिर हमारे पास सोलह आता है थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज का यूनिट हो जाएगा जूल अपॉन कूलम्ब, या फिर उसको वोल्ट ही बोलते हैं। फिर सत्रह आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास 18 आ जाएगा मोबिलिटी। मोबिलिटी का होता है मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। फिर हमारे पास 19 आ जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का क्या होता है, महो होता है। फिर हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर। फिर मेरे पास आ जाएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, महो अपॉन मीटर। तो ये टोटल आपके पास 21 ऐसा यूनिट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और कई बार पेपर में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो आप इसको ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं स्लो में। आप चाहे तो इसको स्लो फॉर्म में सुन सकते हैं या फिर इसको फास्ट करके सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।